अरे ये ऑन हो गया, बटन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, और ये साथ ही ऑफ हो जाता है। उसके बाद ये कैप्स लॉक की लाइट है, लॉक बना हुआ है, ऊपर ए का निशान है, ठीक है। ये ब्लिंक होनी स्टार्ट हो जाती है और डिस्प्ले जो है ना वो इसका शो नहीं होता, यही प्रॉब्लम आ रही है। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नए इन्फो के साथ मैं आपके यहाँ में हाजिर हूँ। ये डेल का लैपटॉप है, लैटीट्यूड E6500E 6500 जो है ना इसका मॉडल नंबर है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये अडाप्टर इसका हम प्लग इन करते हैं, बिस्मिल्लाह, ठीक है। ये बैटरी की जो है ना चार्जिंग की लाइट ऑन हो गई है, तो ये इसका पावर वाला बटन हम पुश करते हैं। तो पावर वाला बटन पुश थोड़ा सा जो है ना वो लेट होता है, वो बटन का भी प्रॉब्लम आई है। कर रहे हैं ये ऑन हो गया, बटन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, और ये साथ ही ऑफ हो जाता है। उसके बाद ये कैप्स लॉक की लाइट है, लॉक बना हुआ है, ऊपर ए का निशान है, ठीक है। ये ब्लिंक होनी स्टार्ट हो जाती है और डिस्प्ले जो है ना वो इसका शो नहीं होता, यही प्रॉब्लम आ रही है। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। तो ये हम कैप्स लॉक की लाइट कहते हैं इसको, जो ब्लिंक कर रही है, तो इसको चेक कर लेंगे। सबसे पहले तो इसका ये बैक कवर जो है ना ओपन कर लेंगे, उसके लिए बैटरी उतार लेंगे पहले। ये डी कवर ओपन हो गया इसका, तो सबसे पहले तो इसकी रैम चेक कर लेंगे हम। तो ये तो रैम की सफाई कर लेंगे, दूसरी ये स्लॉट्स की सफाई कर लेंगे इसकी, क्योंकि तो ये रैम तो कार्बन लगा हुआ है इसको। चले पहले ये सफाई वगैरह कर लेंगे इसकी। रैम की भी सफाई कर लेंगे। बिस्मिल्लाह जी, ये रैम अब इसको लगा लेते हैं, फिटिंग कर लेते हैं रैम की। बिस्मिल्लाह, ठीक है, डॉक्टर प्लग इन किया इसका। इसको ऑन करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा भैया दोबारा से। तो सेम कंडीशन है, उसी तरह लाइट ऑन हुई है, साथ ही कैप्स लॉक की लाइट ऑन हो गई है। ये रैम उतार लेंगे हम, नीचे वाली स्लॉट में रैम लगा के चेक कर लेंगे। उसके बाद ये सीमोस जो है ना इसका उतार लेंगे। ये सीमोस का जैक उतार लिया हमने, अब इसको ज़रा पावर के ऊपर लगाते हैं और ऑन करते हैं, ठीक है। ये सीमोस का जैक उतारा हमने, तो इसलिए ये डायरेक्ट ऑन हो गया। वही लाइट दोबारा से ब्लिंक कर रही है, सेम कंडीशन। दूसरी टाइम जो है ना वो लगा के सफाई करके इसकी चेक कर लेंगे। ठीक है, ये दूसरी टाइम लगाई है सफाई करके, ये फॉरवर्ड लैटिस टर्निंग ऑन हुई है, तो ऑफ हो गया ये, लेकिन ये कैप्स लॉक की लाइट अभी दोबारा ऑन हुई है, दोबारा से ऑन हुई है, तो ये डिस्प्ले इसका शो हो गया। तो मीन्स कि ये रैम वाली जो है ना ख़राब लग रही है, लेकिन फिर भी इसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। 2 GB की रैम है, ये रैम का ही प्रॉब्लम है। तो ये कैप्स लॉक की लाइट जब ब्लिंक करती है ए वाली, तो रैम का ही प्रॉब्लम होता है, तो इसको भी वेरीफाई कर लेंगे दूसरी टाइम को भी। बिस्मिल्लाह जी, ये दूसरी रैम जो है ना ये ख़राब है, ये वेरीफाई कर लिया, तो इसकी जगह हमने रैम लगा दी है, तो मुकम्मल विंडो वगैरह इसकी इंस्टॉल हो रही है, मुकम्मल रेडी है, अभी विंडो रन हो रही है इसकी। तो आज के लिए इतना ही, हम इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।